अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में जो टॉपिक है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। रिलीवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 46(1) ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर इज़ द प्राइमरी प्रोविज़न रिलेटिंग टू द डाइंग डिक्लेरेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कौन जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है, मोड्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेक्चर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है डाइंग डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू द काज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। ये एक ऐसे स्टेटमेंट होता है जो कि ऐसा बंदा बनाता है जो कि मरने वाला है और वो इसमें अपने मौत की वजह बताता है और या फिर ऐसे सर्कमस्टांसिस यानी कि हालात बताता है विच रिजल्टेड इन हिज डेथ जो कि इसके मौत की वजह बनी। एग्जाम्पल है अली इज़ अक्यूज ऑफ मर्डरिंग बिलाल। स्टेटमेंट ऑफ बिलाल एक्सप्लेनिंग द काज ऑफ हिज डेथ डाइंग डिक्लेरेशन। अली जो है वो अक्यूज है कि उसने बिलाल का जो है वो मर्डर किया है। तो स्टेटमेंट ऑफ बिलाल यानी कि बिलाल अभी मरने वाला है उसका जो स्टेटमेंट है और अपने मौत की वजह बताता है तो ये क्या है, ये डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन में एक बंदा जो है अपने मौत की वजह बताता है और इन हालात को बताता है या इन हालात को बताता है जो कि इसकी डेथ की वजह बनी। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये डेथ जो है वो नेचुरल डेथ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है उसको जो है हार्ट अटैक हो गया या फिर वो किसी और जो है वो उसकी नेचुरल डेथ हो गई है, किसी और वजह से जो है वो किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पर वो डाइंग डिक्लेरेशन ये स्टेटमेंट नहीं बना सकता क्योंकि उसकी नेचुरल डेथ है। तो अगर किसी बंदे को जो है वो किसी ने गोली मारी या फिर उसे चाकू से मारा या फिर उसको किसी भी तरह से कत्ल किया तो यहाँ पर ये बंदा जो स्टेटमेंट बनाएगा और उस बंदे के अगेंस्ट बनाएगा तो ये कहलाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। अब पढ़ते हैं एसेंशियल्स और एलिमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। सबसे पहला जो इसके एसेंशियल्स है, एसेंशियल में सबसे पहला जो है वो है डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट। पर्सन हु हैज़ रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट मस्ट बी डेड। अब जो बंदा जो कि एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, स्टेटमेंट बनाता है, उसकी जो है डेथ होनी चाहिए। ही मस्ट बी डेड यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो अभी एक स्टेटमेंट बना रहा है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अली जो है उसने जो है मुझ पे गोली चलाई और उसके बाद जो है वो बंदा जो है उसकी डेथ नहीं होती बल्कि वो बच जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेटमेंट की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता। डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं इसे हैं कि बाद में जो है डिक्लेरेंट है उसकी डेथ हो जाती है तब इसकी वैल्यू होती है, अगर उसकी डेथ नहीं होती तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। फिर इसके बाद है कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी हमने पढ़ा था आर्टिकल 3 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 जिसमें कम्पिटेंसी ऑफ फिटनेसेस के बारे में कहा गया था। अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन जो बंदा बनाता है वो भी कम्पिटेंट होना चाहिए। अ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी ऑफ दैट पर्सन कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई एज अ विटनेस अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द ऑर्डर। देयरफॉर डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ ल्यूनेटिक और ऑफ अ चाइल्ड और टेंडर एज इज़ नॉट एडमिसेबल। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो बंदा बनाता है उसे भी कम्पिटेंट होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई बच्चा है और वो 3 साल का है या 4 साल का है, उसे कोई समझ ही नहीं और वो डाइंग डिक्लेरेशन बनाता है तो ये एडमिसेबल नहीं होगा। कोई शख्स है वो इंतहाई बूढ़ा शख्स है और उस वो जो है ना ठीक से देख सकता है और ना जो वो ठीक से सुन सकता है, तो क्या ऐसे शख्स की डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट बनाता है क्या वो एडमिसेबल होगा? तो ऐसे शख्स का जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिसेबल नहीं होगा। तो कम्पिटेंसी जो है वो लाजिम है। उसके बाद है काज ऑफ डिक्लेरेंस डेथ। काज ऑफ डिक्लेरेंस डेथ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स काज ऑफ मेकर्स डेथ और सर्कमस्टांसिस और द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो मरने वाला शख्स है वो अपनी मौत की वजह बताता है और वो सर्कमस्टांसिस वो हालात बताता है जो इसके मौत की वजह बनी। अ प्रूफ ऑफ द डेथ, ये वही बात हुई कि डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट। प्रूफ ऑफ द डेथ, डाइंग डिक्लेरेशन विल नॉट बी एडमिसेबल अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट द डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट वाज कास्ट। डाइंग डिक्लेरेशन जो है अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बनाया स्टेटमेंट दिया तो ये तब तक एडमिसेबल नहीं हुआ जब तक उसके डेथ का कोई प्रूफ नहीं है कि इस बंदे की वाकई डेथ हो चुकी है या नहीं। तो ज़रूरी है कि वो बंदे उस बंदे की डेथ हो चुकी हो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ताकि उसकी वैल्यू हो। अगर उसकी डेथ नहीं हुई ना तो ये डाइंग डिक्लेरेशन है ना इसकी कोई वैल्यू है। फिर है डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी कम्प्लीट। इट इज़ एसेंशियल टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन दैट इट मस्ट बी कम्प्लीट।
डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट इसलिए होना चाहिए, अब जैसे कि एक बंदा जो है वो रोड पर पड़ा हुआ है, उसे गोली लगी है और कोई दूसरा बंदा आकर उसकी हेल्प करना चाहता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो वहां पहुंचते ही सिर्फ उस बंदे का नाम लेता है, यानी हो सकता है वो उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हो, लेकिन उसके साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है बाद में पुलिस जो है दूसरे बंदे को जिसने हेल्प की उसको पकड़ लेंगी कि मरते वक्त तो इसने जो है तुम्हारा नाम लिया था। तो इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए कि वो बंदा आखिर कहना क्या चाह रहा था, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन की वजह से तो पनिशमेंट जो है कन्विक्शन भी हो सकती है। तो इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि समझ आए कि वो किस बारे में बात कर रहा था और क्यों बात कर रहा था। तो फिर उसके बाद है मेड वॉलेंट्रली। अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये वॉलेंट्रली होना चाहिए। द स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड मस्ट बी ट्रू एंड वॉलेंट्रली एंड मेड विदाउट एनी इल विल। यानी कि अब जो बंदा मरने वाला है वो पहले से बेचारा जो है वो तकलीफ़ में और उसको और टॉर्चर किया जा रहा है कि वो ऐसा कोई बयान दे, तो ज़रूरी है कि ये जो है वो उसकी मर्ज़ी से होना चाहिए। अगर इसे फोर्स के ज़रिए या किसी और तरीके से जो है बनाया गया तो ये एडमिसेबल नहीं होगा। अब है मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड इन फॉलोइंग मोड्स। इसे रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है, रिटन रिटन है डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिटन भी हो सकता है, बाय सिग्नल्स यानी कि गेस्चर्स यानी कि इशारे के ज़रिए, हेड से कोई इशारा करना, फिंगर्स के ज़रिए कोई इशारा करना। उसके बाद है ऑरल। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रिटन में हो, ये ऑरल भी हो सकता है। अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये कौन रिकॉर्ड कर सकता है, सबसे पहले इसमें है रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट वक्त पर पहुंच जाता है तो वो जो है ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, अगर मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच पाता तो पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस भी उसका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, और अगर पुलिस भी नहीं है तो डॉक्टर भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, और अगर डॉक्टर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो फिर इसके बाद कोई भी पर्सन जो कि कंपिटेंट है अंडर आर्टिकल 3 तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसको कंपिटेंट होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा जो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट तो जो उसको जो है क्रॉस किया जाएगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे कि इसने जो बंदा इस बंदे ने जो स्टेटमेंट दिया उस हवाले से उससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसे जो क्या होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए जो बंदा जो है रिकॉर्ड कर रहा है। तो कौन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर और कोई भी पर्सन जो कि कंपिटेंट है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। अब इसकी जो एविडेंशरी वैल्यू है इसे कॉर्पोरेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी एक्सेप्टेड इवन इफ इट इज़ नॉट कॉर्पोरेटेड बाय अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। वंस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट द डिक्लेरेशन इज़ द ट्रूथफुल वर्जन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फर्दर कॉर्पोरेशन। तो इसकी जो कॉर्पोरेशन है वो ज़रूरी नहीं है, तो ये एडमिसेबल है विदाउट कॉर्पोरेशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।